हेलो, नमस्कार बच्चों एवं साथियों। चलिए हम शुरू करते हैं। आपका कुछ डेसिमल के एग्जाम्पल थे, हमने सोचा कि पूरा एग्जाम्पल समाप्त किया जाए, उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी वो एक्सरसाइज की होगी। ठीक है, तो बने रहिए, चलिए इसको सिखाते हैं आपको। एक्सप्रेस एज रुपीज़ यूजिंग डेसिमल। देखिए, जो हमारे रुपए हैं और पैसे हैं, इसको डेसिमल में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पर है 536 पैसे केवल। अब मुझे ये बताइएगा कि 1 रुपए में कितने पैसे हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे होते हैं। ठीक है, तो 536 पैसे में कितने रुपये। बात खत्म करते हैं यहीं पर। अब मेरा 1 रुपये बराबर 100 पैसा, तो 536 पैसे हैं मेरे पास, तो इसमें क्या करते हैं, डिवाइड करवा देते हैं। ठीक है, तो आप लिखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, 536 पैसे। ठीक है, अब डिवाइड करवाएंगे, पैसा पैसे से निकल जाएगा आपका। देखिए, 536 बटे में करवा देंगे 100। ठीक है, तो आपका निकल के चला आएगा। देखिए, यहाँ पर एक तरीके से निकल कर चला गया, जो देखिए भाई काटेंगे इसको तो आसान करेंगे, या तो ऐसे काट दीजिए, 2 जीरो काट देंगे, 10 मिनट लग जाएगा, तो 5.36। तो ये 5 आपका अलग से रुपीज़ हो जाएगा, और टोटल रुपीज़ में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ना, रुपीज़ में हो जाएगा ये, तो 10 मिनट में इस तरीके से हो जाएगा। रुपीज़ में ऐसा चेंज हो जाएगा आपका। ठीक है, 5.36 रुपीज़, ये 10 मिनटों में आपका चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से समझा आपने। पहले हमको पता चला कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 536 पैसे में कितने रुपए, बटे में 100 कर दिया, क्योंकि 1 रुपये बराबर मुझे पता था, तो हमने बटे में 100 कर दिया, भाग दे दिया उससे। भाग देने पर हमें पता चला कि 5.36 रुपीज़ आ रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं, ओनली 65 रुपीज़ और 78 पैसे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं आपका। सेवेंटी एट पैसे हैं। देखिए, हमें रुपीज़ तो पता हो गया है, बस चेंज करना है पैसे को। तो बात यहीं पर समाप्त करते हैं कि 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 78 पैसे में कितने रुपए, तो क्या करते हैं, 78 बटे में 100 लगाते हैं। ठीक है, अब 78 बटे में 100 लगाएंगे तो क्या करेंगे भैया, एक तो 65 रुपये ऑलरेडी है इसमें और 78 पैसे हैं। तो देखिए, हमने जैसे बताया कि 1 दशमलव हटाएंगे, 10 मिनट यहाँ, 1 जीरो काटेंगे तो 10 मिनट यहाँ पर, फिर 1 जीरो काट देंगे। तो अगर आप भाग देना चाहते हैं तो भाग देकर भी कर सकते हैं, ऐसे करिए, 78 भागे 100, 10 मिनट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 100 का मल्टीप्लाई 7 बार, तो 7 बार 700, ये 8 बच जाएगा, और 0 और 1 और 0 बढ़ा देंगे, तो 100 का 8 बार मल्टीप्लाई, तो 800। ठीक है, तो इस तरीके से ये कटेगा। अगर ऐसा इतना दूर नहीं जाना चाहते, आप आसानी से करना चाहते हैं, तो 2 जीरो को काट दीजिए, 10.2 अंक पर लगा दीजिए, आपका ऐसे आ जाएगा 65.78 रुपीज़। ठीक, 65.78 रुपीज़ आपका आ जाएगा। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा सा हम अच्छा आगे ही बताते हैं इसको बिना इरेज किए ही। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका है 6 रुपीज़ और 6 पैसे, तो इसको कैसे करेंगे। तो देखिए, 6 रुपीज़ तो रहेगा ही, 6 पैसे को कन्वर्ट कर लीजिए। अब 1 रुपये बराबर 100 पैसे, तो 6/100 आ जाएगा, 6/100 आ जाएगा। अब 2 दशमलव का, अगर 2 जीरो काटेंगे तो 2 दशमलव के बाद, तो 10.06, और ये 6 ऑलरेडी है, तो 6.06। अगर प्लस करना चाहते हैं तो 10.06 को 6 में प्लस करेंगे, तो वही आएगा आपका देन फाइनल आंसर, ये आपका रुपीज़ में हो जाएगा। ठीक है, ये 6.06 रुपीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इरेज करते हैं अब। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। एक्सप्रेस 5 सेंटीमीटर इन मीटर। जो 5 सेंटीमीटर है उसको मीटर में चेंज करना है,
एंड किलोमीटर में भी। पहले हम मीटर में देख लेते हैं, तो हम जानते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 सेंटीमीटर मेरा दे दिया है, तो मुझे पता करना है मीटर में, तो हम क्या करेंगे, अगर मेरा 5 सेंटीमीटर ही दिया है तो भैया नॉर्मल सी बात है, बटे में 100 लगा दीजिए, आपका मीटर में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर 5/100 तो वही 2.2/0 काट देंगे तो 0.2 के बाद आ जाएगा 0.05, ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया, मीटर, ठीक है, ये 0.50 मीटर आ गया। लेकिन अभी ये तो आंसर नहीं है ना, अभी तो सिर्फ मीटर में चेंज हुआ है, अब हमको चेंज करना है किलोमीटर में। तो अब बताइए कि 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, तो 1000 मीटर होते हैं, हमारे पास 0.05 मीटर है, तो इसको मीटर अगर हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो बटे में 100 लगाना पड़ेगा, तो 0.05/1000, सॉरी 100 गलत बोल दिया था, 1000 लगाना, क्योंकि हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है, तो हम नॉर्मल सी बात है। तो अब भैया अभी तक तो ये कितने पर है, 0.05 है, तो यहाँ पर अगर 3 जीरो काटेंगे तो इसको 3 जीरो और इधर करना पड़ेगा, तो ये आपका हो जाएगा 0.000, अगेन 0.05 है ही, तो 0.05, क्योंकि 3 जीरो इसका कटने पर और 3 जीरो ऑलरेडी लगेगा ये वाला, और 0.05 है ही, तो ये 3 जीरो, तो टोटल ऐड गिनेंगे अगर आप इसको काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 अंकों के बाद 5 अंकों के पहले ही आपका 0.05 लग जाएगा। तो अब ये चेंज हो गया है किस में, किलोमीटर में, ये किस में चेंज हो चुका है, किलोमीटर में। तो मुझे लग रहा होगा कि ये भी समझ में, मुझे लग रहा है कि ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब क्या बचा है, एक्सप्रेस इन केजी यूजिंग डेसिमल। अब ये जो मेरा किलोग्राम में हमको क्या करना है, 0.05 में चेंज करना है, जो भी दिया है ग्राम, 7380 kg है, 6 kg, 8 ग्राम है, तो सबको हम चेंज करके बताते हैं, एक बार चेक कर ली कि यार ये जो मैं बता रहा हूँ ये क्या आपको दिख रहा है प्रॉपर, जी हाँ जी हाँ एकदम, मतलब यहाँ तक तो दिख ही रहा है, ठीक है, तो चलिए तो इसको इरेज करा जाए, फिर आइए इसको चेक करते हैं, एक्सप्रेस इन केजी यूजिंग डेसिमल। पहले हम जानते हैं 1 किलो में 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। अब मेरे पास 60 ग्राम है, तो इसको क्या करेंगे, 60/1000 ग्राम कर देंगे, आपका किलोग्राम में यह चेंज हो जाएगा, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, अब 2 0 है, तो 2 0 के पहले 0.05 आ जाएगा, 0.06, यही आपका किलो केजी में आ जाएगा पहले का आंसर, ठीक है, 0.06 kg आंसर हो गया। अब सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड क्वेश्चन ये है, 7380 kg में है, ठीक है, ऑलरेडी केजी में है, तो हमको अब पता करना है कि टोटल का टोटल मेरा केजी में है, तो अब क्या करेंगे भैया, हमको ग्राम में भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमें पता ही करना है, ये मुझे लग रहा है ग्राम में है क्या, एक बार क्वेश्चन को देख लिया जाए, 1 मिनट रुकिए। तो जी हाँ आपका जो क्वेश्चन दिया गया है ये ग्राम में है, तभी तो हमने कहा कि इतना केजी में दिया है और केजी में ही यूज करने के लिए कहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, तो ये ग्राम में है, किस में है भैया, ग्राम में है, तो ग्राम में है, तो ग्राम में करने के लिए हम क्या करेंगे, 7380, अब जानते हैं कि 1 किलोग्राम बराबर 1000, और सॉरी 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो बटे में हम 1000 से डिवाइड करवा देंगे, तो आपका 3 0 कटेगा, तो 3 अंकों के पीछे से 3 अंकों के बाद 0.05 लग जाएगा, तो आ जाएगा 7.380 kg, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। अब चलते हैं इसको इरेज करते हैं, फिर अगला देखते हैं, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, थर्ड वाला, 6 kg है
एंड 8 ग्राम है, ठीक है 8 ग्राम है। अब मुझे ये चेक करना है, पहले मुझे बताइए कि 1 किलो में, 1 किलोग्राम में और सॉरी 1 केजी में कितने ग्राम, वही 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो 1000। तो अब 6 केजी दिया है तो इसको पहले ग्राम में चेंज कर लिया जाता है, ठीक है। टोटल क्या करेंगे भैया, ग्राम में ही चेंज करेंगे आप। पहले अगर 1 केजी में 1000 ग्राम, तो 6 किलो में कितने ग्राम, 6 केजी बराबर 1000 का गुणा 6 में कर देंगे तो आपका 6000 ग्राम आ जाएगा। और प्लस 8 ग्राम है तो हम क्या करेंगे, प्लस 8 को ऐड कर देंगे, तो 8006, तो ये टोटल ग्राम में आ गया। अब इसको टोटल को किलोग्राम में चेंज कर देते हैं, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो टोटल कर देते हैं बटे में 1000, 3 जीरो के बाद आपका दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 जीरो कटा, यहाँ पर दशमलव, तो 6.008 kg, ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा। तो फाइनली जो अभी हमने बताया है ये पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो अब जो भी पढ़ाएंगे इसके बाद, अब एक्सरसाइज आपका रहेगा, ठीक है, जो डेसिमल है, डेसिमल चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज अगले वीडियो में आएगा आपका। तो वीडियो को अधिक शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा, ठीक है। जो नए साथी हैं वो भी देखेंगे, अपने नए साथी जो हमारे देख रहे हैं वो अपने नए साथी को भी भेज दीजिएगा। और हमारे जो स्पेशल क्लास 7 के बच्चे हैं, इनसे रिक्वेस्ट है कि ये प्रॉपर तरीके से पढ़िएगा, एक विधिवत तरीके से, जिस तरीके से बताया जा रहा है आपको बहुत फ़ायदा करेगा ये वीडियो। थैंक यू।